स्टेशन रोड व्यापारी संघ ने सुषमा स्वराज को दी श्रद्धांजलि। सुषमा स्वराज द्वारा देश हित में किए गए कार्य को किया याद। कल दिल का दौरा पड़ने से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल सुषमा स्वराज ने आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज के असामयिक निधन के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आज अजमेर में स्टेशन रोड व्यापारी संघ द्वारा सुषमा स्वराज की तस्वीर पर पुष्प भेंट कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। व्यापारियों ने कहा कि सुषमा स्वराज द्वारा देश हित में किए गए कार्य को हमेशा याद किया जाएगा। देश की प्रथम महिला थी जो हर कार्य में अग्रणी थी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो हमारे बीच अब नहीं रही, उनके लिए हम सब आज स्टेशन रोड व्यापारिक संघ बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। ये जो सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने हर कार्य में अग्रणी रही। जिस संसद में जो स्पीकर के पद पे जो विपक्ष के तौर पर वो अब सबसे पहले थी, CM रहते हुए दिल्ली की प्रथम महिला घोषित हुई, और भी कई कार्यों में अग्रणी रही। हम सब इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। मैं ललित नागरानी। स्टेशन रोड व्यापारिक संघ आज भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री, उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके बारे में सभी जानते हैं कि वे किस छवि की थे। पिछले सरकार के अंदर वे विदेश मंत्री रहीं और पहली ऐसी नेत्री रहीं जिन्होंने UNMA सीनेट को राष्ट्रभाषा हिंदी में संबोधित किया। मध्य पूर्व एशिया में अरब कंट्रीज में जो हमारे भारतीय मूल के नागरिक फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित भारत वापसी में उन्होंने अहम भूमिका अदा करी थी। साथ में पाकिस्तान के चुंगल में जो निर्दोष नागरिक हमारे फंसे थे, उनको भी भारत लाने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। एक प्रखर राजनीतिज्ञ थे वे, साथ में स्पष्ट और कर्मठ थे। उन्होंने विरोधियों को भी अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें दिल में जगह बनाई थी। ऐसी राजनीतिक हस्ती का हमारे बीच में से जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं होगा। हम सभी आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से यही अर्ज करते हैं कि उनके श्री चरणों में उन्हें जगह दे और उनके परिवार को हिम्मत और साहस दे। बालेश गोयल, स्टेशन रोड व्यापारी संघ अध्यक्ष।